अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, हमने एक्सरसाइज 21.1 पढ़ा, 21.2 किया, आज हमारा एक्सरसाइज 21.3 है और केस 3 आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। केस 1 हमने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को पढ़ा और फिर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पढ़े और आज केस 3 हमारा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हम पढ़ेंगे और लास्ट हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की 21.4 होगी, जो कि फोर्थ केस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कंसिस्ट करेगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पर, ठीक है। आज का हमारा केस नंबर 3 है जो कि नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। अच्छा, जब हमने फर्स्ट में बात की कि हमारे पास जो हमारे रूट्स हैं बेटा, वो हमारे पास जो है वो जब अनइक्वल होंगे तो आप कहोगे कि अनइक्वल हैं, तो आपने सिंपली तरीके से केस 1 जो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को यूज़ करते हुए जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरह आप करोगे। अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरे उन लेक्चर्स को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाकर ज़रूर देखें। मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर केस 1 में इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है बहुत डिटेल में। फिर केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास हमारे जो रूट्स हैं अगर वो इक्वल आ जाएंगे, रियल तो होंगे, साथ साथ इक्वल होंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो फिर हमें क्या करना है। आज हमारे पास हमारा केस नंबर 3 है जो कि नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हमारे जो रूट्स हैं अगर कॉम्प्लेक्स हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाती जाऊँ, अगर हमारे पास हमारे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, ना कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें लीनियर भी आएगा और क्वाड्रेटिक भी आएगा, कैसे आएगा? देखो फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। 1/x² + 1 है डिनोमिनेटर, देखो x² + 1 इज़ इक्वल्स टू 0, x² 1 जो है वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1। अब जब हमें स्क्वायर हटाना होता है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आ जाएगा तो ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो ये सिंपल एक्स हो जाएगा। और आप सबको पता है कि हमारे पास जो माइनस का रूट है वो बराबर होता है हमारे पास प्लस माइनस, हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आयोटा के इक्वल। समझ में आया आप सबको? अब यहाँ पर जो प्लस माइनस आयोटा, तो ये तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एक इमेजिनरी, आप सबको समझ में आगे रूट जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी है ना, कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सिंपल हमारे पास जस्ट वन क्वाड्रेटिक, आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक कैसे समझोगे, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 2 है, मतलब डिग्री हमारे पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है जी। तो अगर सिंपल हमारे पास आएगा तो हमने क्या करना है इसमें, आप a1 a2 a3 वाला फार्मूला अप्लाई मत करें, जो बुक में मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स थे, अननोन कॉन्स्टेंट्स, उसमें a b + c और a b c d करके मैंने आप लोगों को समझाया है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। आप लोगे इस तरीके से नॉन आपके पास जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स एंड रिपीटेड a x + b / x² + 1 डिनोमिनेटर इस तरीके से रखकर आप करोगे। अगर आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर आप एक टर्म बढ़ाओगे यहाँ पर cx करोगे, और d को याद करने का तरीका बहुत आसान है, डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा एक कांस्टेंट भी हो सकता है ना यहाँ पर, मतलब एक अगर लीनियर आ रहा है तो फिर आप इतनी चीज़ नहीं लोगे, ठीक है जी। और आपके पास रिपीटेड आ रहे होंगे तो फिर आप अगेन जो है इस तरीके से फोर्थ रूल को अप्लाई करते हुए रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लोगे, तो सी डी आगे आगे मजीद जो है अगर क्यूब आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है, डी आ गया, अब आप ई ले लोगे, ex + f डिवाइडेड बाय x² + 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। इस तरह फर्दर ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इन इस केस के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके अपनी इक्वेशन नंबर 1 बनाओगे, और जो आपके पास ये अननोन कॉन्स्टेंट्स है a b c d, इसको फाइंड करोगे, ठीक है। यही है ना पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास क्या है कि आपने इसको रिड्यूस कर देना होता है, इसको डिकम्पोज कर देना है, डिकम्पोज कर आपने इसको स्प्लिट कर देना है, ब्रेक कर देना है पार्ट्स में। तो अब बढ़ते हैं अपने हम अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास तमाम में जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 21.4 तक, उन सब में रिजॉल्व द फॉलोइंग फैक्टर्स ही कर आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कर आएगा। तो आपने खुद पहचानना होगा डिनोमिनेटर को देख के कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो है क्या वो लीनियर है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आपने नीचे देखो हमारे पास स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है जी। तो सेकेंड, ये यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है और एक ये लीनियर है, क्योंकि हमारे पास रूल पर क्यों भी मौजूद नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है क्योंकि हाइस्ट टर्म जो है हाइस्ट पावर 2 है और ये हमारे पास एक लीनियर है, ठीक है जी।
तो हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट डिग्री आएगी, ठीक है जी। कैसे करेंगे इसको, पहले तो आप सेम एज इट इज़ अपना क्वेश्चन कॉपी कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 13 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ए, अब वहाँ पर क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको क्या बताया था, आप करोगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 और दूसरा वाला देखो। अब हमारे पास सेकंड वाला लीनियर है क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट डिग्री आ रही है, तो हम सिंपल सी ले लेंगे, सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 2। सिंपल, अगर यहाँ पर हमारे पास अगेन यहाँ पे कोई पावर स्क्वायर में होता है, एक और क्वाड्रेटिक होती या इसके ऊपर होल स्क्वायर होता, तो फिर हम यहाँ पर इसको सी के आगे एक्स लगाकर और फिर अगेन मजीद इसको सॉल्व करते। वो वाला रूल जो है वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज 21.4 में आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं फ़ौरन वो वाला लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी कि आपने वो लेक्चर ज़रूर देखना है, ठीक है इंशाल्लाह, ताकि आपको जो मैं यहाँ बात बताना चाह रही हूँ वहाँ पर मेरा वो वाला जो बताना चाह रही हूँ वहाँ पर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, सिंपली आपने इसको नाम दे दिया कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप करोगे मल्टीप्लाइंग सेम एज इट इज़, वही स्टेप जो आपने अपनी पहले वाली एक्सरसाइजेस में किया, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, एक मैं लिख देती हूँ, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2 इस पूरी टर्म के साथ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। राइट साइड पे आपके पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ फ़िलहाल लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि देखो ये, देखो ये होगी लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2 को यहाँ पर ये देखें पूरा कैंसिल हो गया। नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन आपको समझाने के लिए एक दफ़ा कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में नहीं करूँगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, यहाँ पर अगर पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे पहले सिंपल ऊपर वाला ए एक्स प्लस बी, इसके बराबर में भी हम क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2 पूरा। देखो ये हमारे पास राइट साइड पे ए एक्स प्लस बी और हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 7 था और इस पूरी टर्म को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब आप देख रहे हो कि ये चीज़ से कैंसिल हो रही है, सिर्फ यहाँ पर एक्स माइनस 2 बचेगा, बीच में प्लस है सी, तो सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इसके बराबर में हम इस पूरी टर्म को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस का 2। सिंपल, यहाँ पे एक्स माइनस 2 कैंसिल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13 और यहाँ बचा ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, और हमारे पास एक्स माइनस का 2। अब प्लस सी, यहाँ हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब हम इसको नाम दे देंगे कि हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। बस नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 13। अब यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसे एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स को माइनस 2 से तो ये हो जाएगा 2ax और ये प्लस का bx, b को एक्स से करो bx और b को 2 से करोगे तो माइनस का 2b। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो सी को, जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये हो जाएगा सी एक्स का स्क्वायर और 7 को सी से करोगे तो ये 7c हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो, अनलाइक टर्म एक तरफ कर लो ताकि थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। चलो जी, अब स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, ये ए एक्स स्क्वायर हो गया, टिक लगा दूंगी ताकि कोई टर्म हमारी मिस ना हो, सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है इन क्वेश्चन में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करें। अब पहले बी एक्स ले लो और माइनस वाला बाद में लेना, माइनस का 2ax, कोफिशेंट जो भी लगा हुआ हो लेकिन पॉजिटिव पहले लिया करो, ठीक है जी। अब ये माइनस का प्लस का 7c और माइनस का 2b बच गया रिमेनिंग, ये हमने साइड पे लिख दिया माइनस का 2b, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, अब देखो ये एक ही है, ये दोनों स्क्वायर वाले हैं, ये दोनों x वाले हैं, अब इनको एक तरफ कर लो। क्या करेंगे, इसमें से अपना ले लेंगे कॉमन, कॉमन लेते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है और ये हो जाएगा ए प्लस सी। ये आपके पास कोफिशेंट ऑफ एक्स है, क्या है आपके पास, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ए प्लस सी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो तो 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स की, तो एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो बी माइनस 2a आएगा, ठीक है जी। कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे बी माइनस 2a है,
और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म 7c माइनस का 2b है। ठीक है जी, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें x माइनस 2 गिवन है, अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे माइनस 2 है, जब राइट साइड पर 2 जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जो कि ये है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप लगा दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 सिंपल माइनस 13। इसे ब्रैकेट में लगा लो, कोई इशू नहीं है। ये आपके पास a है और x आपके पास 2 प्लस का b, 2 माइनस 2 प्लस c। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक आपको। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 7, तो अंदर 2 पर स्क्वायर है, ऐसे ऐसे कर लूँ और प्लस का 7। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट को करना है ओपन और कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दीजिए। यहाँ पे आ जाओ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 13, ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो तो ये प्लस का 2 जब माइनस के 2 से कटेगा 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। सी हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस का 7, तो ये हमारे पास बनता है 11, तो ये हो जाएगा 11c। ठीक है जी, प्लस और ये तो 0 ही है। यहाँ आ जाओ, 4 और 2, 4 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव 2 बचेगा और माइनस का 13, 13 में से 2 गया तो माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 11 आपके पास सी। सी कहेगा मेरे पास से हट जाओ, 11 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 11 के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो सी पर बचेगा माइनस का 1। तो सी हमारे पास जो है यहाँ पर आया है नेगेटिव 1। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में, अब हम करेंगे इक्वेटिंग। तो आप लिखोगे बाय इक्वेटिंग, ठीक है जी, लाइक टर्म्स इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ ये है जी? अब यहाँ से 3 तो निकल गया, अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास अननोन कॉन्स्टेंट्स है उसको फाइंड करना है, मतलब बी और ए। तो आप कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, ये कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ ए प्लस सी है और वहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है जी, ए आपके पास हमने फाइंड करना है और सी ऑलरेडी गिवन है जो कि आया माइनस का 1, तो हमने फाइंड किया है, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1। ए कहेगा माइनस, चलो भी मेरे पास से हट जाओ माइनस का 1, 1 के पास जाके पॉजिटिव 1 1 2, तो ए आपके पास 2 आ जाएगा। इसको भी आप एक बॉक्स में कर लीजिए बंद। सेकंड में हमें क्या करना है, अब हमारे पास जब हम इक्वेटिंग कर रहे हैं, ये हमने कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर की से निकाला है। अब कोफिशेंट ऑफ एक्स को देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशेंट ऑफ एक्स है वो है इसका बी माइनस 2 है, और यहाँ पर क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स माइनस का 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी माइनस का 2 है। सिंपली वी फाइंड करेंगे 2, ए हमने क्या निकाला है 2, तो पुट कर देंगे 2 इंटू 2 4 हो गया और माइनस का 1। बी कहेगा माइनस को मेरे पास से हट जाओ, माइनस का बी 1 के पास आके पॉजिटिव 4 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आकर, और बी 4 में से 1 गया 3 बचा, तो बी की जो वैल्यू आई है वो आई हमारे पास 3। अब आप सबको पुट कर देंगे तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, putting the values of a, b and c in equation number 1। इस 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है जी, चलो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, मान द्वारा रिएक्ट कीजिए इसको, सेम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2, ए 2 आया है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर आपके पास बराबर में प्लस का b है तो हम लगाएंगे प्लस, बल्कि x लगाएंगे बराबर में और b आया है 3, सेम एज इट इज़ प्लस c आया है हमारे पास माइनस का 1 जो हमने निकाला था, हमने यहाँ माइनस 1 लेंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करके भी माइनस 1 कर सकते हो, एक स्टेप आप स्किप कर सकते हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो अगेन आप इसको रीराइट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7
प्लस माइनस माइनस और ये आपका है आंसर। हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है जी, जुज़वी हिस्से इसके बना दिए हैं, डिकम्पोज कर दिया है, स्प्लिट कर दिया, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। हमारा क्वेश्चन नंबर टू है 6x-5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10, रीराइट कर लो। ये क्वाड्रेटिक है फैक्टर, कैसे पता चला, डिग्री टू है, ठीक है जी, और यहाँ पे लीनियर है, सेम एज इट इज़ वही अप्लाई होगा क्या, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10, सेकेंड वाला लीनियर है, कॉन्स्टेंट डिग्री है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। सेम एज इट इज सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। अब इसके साथ करेंगे सेम एज इट इज कट जाएगा। अब हम देखते हैं जब हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x-5 बचेगा, पूरी टर्म जो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 10, देखो इसमें कौन सा डिनोमिनेटर आ रहा है, मैच का ये आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। तो ए एक्स प्लस बी के पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x प्लस 1 बचेगा। सी की बारी है, सी के पास देखो x प्लस 1 कैंसिल होने वाला है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का 10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है। अब हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए 6x-5, तो ये हो जाएगा ए एक्स, ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स, बी को x से करोगे तो बी एक्स और बी को 1 से करोगे तो बी, सेम एज इट इज़ सी को x से करोगे तो सी एक्स स्क्वायर, सी को 10 से करोगे तो आपके पास 10c आ जाएगा, ठीक है जी। आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, 6x-5 = ए एक्स स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और हम x वाले ले लेते हैं, अब है ए एक्स और प्लस का बी एक्स, और अब कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है 10c एंड b, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, b और 10c, ये दोनों सेम हैं। अब हम यहाँ से कॉमन उठाएंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस और यहाँ से सी, तो ये कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और हमारे पास इस तरफ कोफिशेंट एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0, क्योंकि जो टर्म नहीं दी जाती वो 0 होती है। यहाँ पे हमारे पास एक्स है और कोफिशेंट ऑफ एक्स हमारे पास निकला ए प्लस बी, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म बी प्लस 10c, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें क्या पुट करना है, x प्लस 1, सेम एज सब क्वेश्चन ऐसे होंगे, x प्लस 1 है तो आप लिखोगे पुटिंग x -1 इन इक्वेशन नंबर 2, 2 में -1 लगा देंगे जहाँ जहाँ x है, ठीक है जी। रेफरेंस दो, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करने लगे हैं माइनस का 1, तो हमारे पास 6 आया, यहाँ आया माइनस का 1 और माइनस का 5, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर a है और यहाँ आया माइनस का 1 प्लस बी -1 और ये प्लस 1, ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है, हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 10, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। 6 जा आपके पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का 5, ठीक है जी, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 1 पॉजिटिव, और बीच में है हमारे पास प्लस का 10, 10 होता है 11, तो सी 11 आपके पास आ जाएगा, तो आप यहाँ पर इस तरह लिखिए 11c, और ये हमारे पास 0 था। माइनस माइनस प्लस है, 5 और 6 11 होता है, साइन बड़े की आती है, बड़ा जो है 6, इसलिए माइनस लगाएंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पर माइनस 11, ये सी कहेगा चलो मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 11 पॉजिटिव हो जाएगा सी, 11 से 11 कैंसिल तो 1 बचेगा तो माइनस का 1, तो सी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 1। एक मज़े की बात ये, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सी ही निकला था और माइनस का 1 आया था, इसमें भी सेम यही हुआ। अब हम करेंगे इक्वेटिंग, अब यहाँ लिखो बाय इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में देखो जो एक्स स्क्वायर है उस तरफ हमारे पास क्या है, 0 है, और यहाँ पे है a प्लस सी,
तो हमें पता है ए तो हमें फाइंड कर लेते हैं और सी आया है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, 0 के पास चला जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह लिख लो उसको सिंपल, ए आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 1। अब हम देख लेते हैं कोफिशेंट ऑफ एक्स को। यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है ए प्लस बी है इक्वेशन नंबर 3 में, और जबकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है जी, 6 है और कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो ए प्लस का बी है। समझ में आया, ए हमारा निकला 1, बी फाइंड करना है, बी ए को 1 को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, प्लस का 1, 6 के पास जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, तो बी इज इक्वल्स टू 5। मैथ्स कहता है इस तरह लिखो, लिख दिया भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना चाहिए, लाइन सीधी कर लेते हैं। अब हमें पुटिंग करनी है, तो आप लिखें पुटिंग, जो हमारे पास अननोन कॉन्स्टेंट से जो निकले हैं, पुटिंग ए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, 1 में हम पुट कर देंगे। 1 आपके सामने है, थोड़ा सा मैं इस तरह कर दूं, 6x माइनस 5 का हमने जो है वो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और x प्लस का 1, और यहाँ आ जाइए a हमारे पास आया है, देखो वहाँ पे a है ना, ax प्लस बी ए 1, ठीक है जी। x लगाएंगे तो लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है किसी भी कोफिशेंट के बराबर, वेरिएबल के बराबर में कोई कोफिशेंट नहीं है तो 1 है, 1 प्लस बी आपके पास आया है 5, तो सिंपली आपने लिखा 5, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 10 था जो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास वहाँ पे है प्लस का c, जो कि हमारे पास आया है माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अगर चाहो तो यहीं सॉल्व कर दो, नहीं करना चाहते तो एक ब्रैकेट और एक स्टेप जो है वो और बढ़ा लो, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी सारे का सारा कॉपी कर दो, कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर, ये है आपका आंसर। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम इसको रीराइट करेंगे, 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब इसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर ही है या क्वाड्रेटिक ही है ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब सिंपल, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स ले लेंगे, पहले ए आ जाए, कांस्टेंट आ जाएगा ए एक्स, जो हमारे पास अननोन कोफिशिएंट अननोन कांस्टेंट्स हैं ए, फिर आएगा बी प्लस एक्स का स्क्वायर ले लो, और फिर यहाँ पे आ जाओ सिंपली, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये होगा सी एक्स प्लस का डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है जी। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमारी प्रिपेयर हो गई, अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही स्टेप हमारा फॉलो होगा, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑन बोथ साइड्स। जब आप अपना लेफ्ट साइड पर देखो से मल्टीप्लाई करोगे, 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर ही बचेगा, पूरा का पूरा यहाँ से कटिंग हो जाएगा। अब a से देखो फर्स्ट वाले को ना, a को देखो तो a बचा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो बच्चे, यहाँ x है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वाला x तो कैंसिल हो गया, तो a के पास हमारे पास जस्ट एक x बचेगा और एक x स्क्वायर प्लस 5 पूरा का पूरा बचेगा, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ b के पास, हमने भी लिखा b, x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 5। अब सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी एक्स प्लस डी के बराबर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी के बराबर में सिर्फ हमारे पास x का स्क्वायर बचेगा। ऐसे इस तरह लिखना चाहो ऐसे लिख लो, और अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, कोई इशू नहीं, एक्स स्क्वायर पहले भी ले सकते हो, ऐसे ले लो, मैं पहले ही लेने वाली थी ऐसे, सी एक्स और प्लस डी ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लाइक टर्म, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, ठीक है ना। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे सकते हो,
कि आप हमारे पास ये गिवन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर जो है बच्चे टू है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है। अब हमें क्या करना है, सिंपली 15 प्लस 5x प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा ax क्यूब, और ax को 5 से करोगे तो आपके पास आएगा 5a और x, ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी बारी है, b को x से करोगे तो आ जाएगा bx क्यूब और 5b। सिंपली cx को x से करोगे तो हो जाएगा cx का क्यूब प्लस dx का स्क्वायर। सिंपली अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना, ठीक है। चलो बेटे अब हमारे पास ए एक्स क्यूब की टर्म ये है, मैं टिक कर दूं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, और ये है तो मैंने क्यूब वाला कर लिया एक तरफ। अब स्क्वायर वाला देख लेती हूँ, ये मेरे पास बी एक्स स्क्वायर है तो इसको बी को पहले ले लेती हूँ और डी को बाद में, डी एक्स स्क्वायर। ये 5ax है और ये 5b है तो हम ले लेंगे 5ax प्लस का 5b, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन ले लो तो हम लेफ्ट साइड को इसी तरीके से कॉपी करते जाएंगे, नीचे रीराइट करते जाएंगे जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। यहाँ से हमारे पास कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब निकलेगा जो कि a प्लस सी है। देखो हमने यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन उठाया, a प्लस सी आया, यहाँ पे हमारे पास कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा b प्लस डी, तो ये हो जाएगा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा b प्लस डी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, सिंपली यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 कॉमन अगर उठाते हैं तो हमारे पास बचेगा a एक्स प्लस बी, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देंगे अपना इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमारे पास एक्स जो है वो 0 रख के हमें पुट करना पड़ेगा, एक्स 0, ठीक है जी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग, हम क्या करेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशन नंबर थी इसमें हम पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास 15 आ रहा एक्स आ रहा है वहाँ पे हम लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होने वाला है, हम सबको पता है लेकिन हम करके दिखाएंगे ऐसे। ये भी 0 है, ये 0 का स्क्वायर है, ये प्लस 5 कर लो जो भी कर लो 0 ही आएगा बी, ये भी 0 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख के करो, पहले दफ़ा पुटिंग कर लिया करो वैल्यूज़ को, कोई भी इशू नहीं है। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो हम लगाएंगे 0 का स्क्वायर सी 0, ये भी पूरा होने वाला है 0, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाओ, ये 15 बचा, ये जो मल्टीप्लाई करने पर 0 स्क्वायर लेने पर सब 0 ही हो जाएगा, सिंपल हमारे पास यहाँ पर 15 आएगा, ये भी हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बी देख लो, बी में हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 और 5 से सिंपल 5 आएगा, तो हमारे पास हम 5b लिख सकते हैं ऐसे करके, सही करके लिख लो भाई ऐसे, और ये भी पूरा सी भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है जी। अच्छा जी अब हमारे पास सिंपल यहाँ पर 5b है, बी कहेगा 5 को मेरे पास से हट जाओ, 15 के पास जाकर डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, तो बी की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 3। चलो भाई यहाँ पे हमारे पास बी आया है सिंपली 3। अब हम करेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग करनी है अब हमें, हम किस तरह करेंगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेटिंग दी लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। चलो भाई कहाँ है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये रही। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हो बच्चे कि हमारे पास ये कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब नज़र आ रहा है आपको, आप कोफिशेंट एक्स क्यूब की बात करें तो यहाँ पे a प्लस सी है और यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस 4 और a प्लस सी, तो यहाँ आया माइनस 4 और a प्लस सी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 का। फिर हम कर लेते हैं स्क्वायर की बारी, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर b प्लस डी है और वहाँ पे 5 है, 5 इज इक्वल्स टू b प्लस डी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5 का। कोफिशेंट ऑफ x, अब इस स्टेप में आप ये देखें कोफिशेंट ऑफ x यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके पास कोफिशेंट ऑफ x जो है 5 है, तो 5 जो है वो आपके पास हो जाएगा 5a सिंपली। अब यहाँ से आप इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दीजिए, अब यहाँ लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 से आप क्या लोगे a,
ठीक है, यहाँ से देखो ये ए है ना, यहाँ से ए कहेगा फाइव मेरे पास से हट जाओ, डिवाइड में जाएगा तो फाइव वन टाइम कट कैंसिल हो रहा है ना, ए आपके पास हो जाएगा वन। ठीक है जी, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, सिंपल पुट ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फोर, ताकि हम वहाँ से अपना सी निकाल सकें। अननोन कांस्टेंट माइनस फोर इज इक्वल्स टू ए वन रखा प्लस सी, सी कहेगा वन को मेरे पास से हट जाओ, फोर के पास जाएगा माइनस का वन इज इक्वल्स टू सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का फाइव, तो सी हमारे पास क्या आया माइनस का यहाँ पर फाइव। पुटिंग पुट बी इज इक्वल्स टू थ्री, ये जो हमारा बी थ्री निकला था, अगर हम इसको पुट कर दें क्वेश्चन नंबर फाइव में तो हमारा डी आ सकता है। पुट बी थ्री इन इक्वेशन नंबर फाइव, तो हम थ्री पुट कर रहे हैं, बी की जगह थ्री रखेंगे और डी, ये प्लस का थ्री माइनस का थ्री हो जाएगा फाइव के पास आकर, डी अकेला रह जाएगा, पाँच में तीन जाएगा तो दो बचेगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू। अब डी टू आ गया, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास डी आ गया टू, सी आ गया माइनस फाइव, ए आ गया वन, और बी ऑलरेडी जो है वो हमारे पास आया था, निकाला था हमने जो थ्री था। ए बी सी डी हमारे पास जो है वो चारों आ गए हैं, हमारे पास अननोन कांस्टेंट, जब हम इससे पुट कर अपना आंसर ले आते हैं, तो आप यहाँ पर लिखो पुटिंग ए बी सी डी या पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर वन, वन में पुट कर देंगे। ठीक है जी, 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 5 हमने ऐसे ही कॉपी किया। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है जी, a डिवाइडेड बाय x, a हमारे पास 1 आया डिवाइडेड बाय x, b हमारे पास क्या आया था 3, नीचे x का स्क्वायर है, c हमने क्या निकाला है माइनस का 5 ब्रैकेट में रखो, और x, और d हमने निकाला है 2 और नीचे है x स्क्वायर प्लस का 5। एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा प्लस माइनस माइनस करने के लिए, बाकी ये वाला पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं, आप खुद लिख लीजिएगा 1x प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एज इट इज़, यहाँ पे रीराइट कीजिए इसको, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। चलो जी, अब हमारे पास ये लीनियर, हमारे पास लीनियर है कांस्टेंट डिग्री x प्लस 1, और यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो आप यहाँ पर लोगे प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, अब वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 कटेगा और ये बचेगा a के पास x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, और बी एक्स प्लस सी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है x प्लस का 1, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का सेम एज इट इज़। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आएगा आपके पास ए एक्स और ये 3a, यहाँ पे पहले बी एक्स को पूरे से करोगे और फिर सी को, तो बी एक्स को जब एक्स से करोगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को वन से करोगे तो सिंपल बी एक्स, इसी तरीके से सी को एक्स से करोगे तो सी एक्स, सी को वन से करोगे तो सी। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे ताकि हम यहाँ से इक्वेशन को छोटा छोटा कर सकें और कोफिशेंट्स निकाल सकें इनके ना। चलो भाई, अब हमारे पास पहला वाला ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर है, हमने कर लिया, अब हमें एक्स वाले करने हैं, तो ये माइनस का ए है तो माइनस को बाद में रखेंगे भाई, पहले हम रखेंगे बी, तो
तो प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का ए एक्स, नो इशू। फिर हमारे पास है प्लस का 3a और प्लस का c। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन तीन में से आएगा कॉमन। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन, हमारे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन है, बचा b प्लस सी माइनस का a। ये कोफिशेंट ऑफ x आया है इतना बड़ा, ये है हमारे पास कॉन्स्टेंट 3a प्लस का c। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, जब तक यहाँ हम आपको समझ में आया, अब हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना है। कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुटिंग x प्लस वन है, पहले माइनस वन रखो, तो आप लिखो पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। टू में माइनस वन रखते जाओ तो 3 आएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का हम रखेंगे 1। प्लस वन ए माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस बी माइनस वन, राउंड करो उसको, प्लस सी माइनस वन प्लस वन, ये तो 0 हो जाएगा। सिंपली देखो कैसे, 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस 1, 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 4 और 1 हो गया 5। यहाँ आ जाओ, आपके पास सिंपली 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है जी, माइनस 1 प्लस का 3, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए आपके पास आ जाएगा 3, 3 ए हो गया ये। बल्कि एक मिस्टेक हमसे यहाँ हुई है, ये माइनस का एक्स था और जब हमने एक्स में वैल्यू रखी तो वो भी माइनस की थी, तो ये ऐसे होगा, देखो बच्चे प्लस का वन, ऐसे देखो यूँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो सिंपली यहाँ रखना चाहिए ना हमें ऐसे, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस जो है तो फार्मूला का माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस होगा, वन का स्क्वायर वन और प्लस वन ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5a। ऊपर वाला ये प्लस पॉजिटिव वन है, नेगेटिव से वन के 0, और ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास a जो आएगा वो आया है 5 है सिंपली, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये डिवाइड में जाएगा और a की वैल्यू आएगी हमारे पास सिंपल 1, तो a आ गया आपके पास 1। अब यहाँ से a आया, अब हमें b भी चाहिए और हमें c भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे इक्वेटिंग जो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, तो हम लिखेंगे बाय equating the like terms in equation number 3. Equation number 3, अब आप देखो यहाँ पर x square, coefficient of x square a plus b है और वहाँ पर 3x square है, तो ये 3 बराबर हो जाएगा a plus b के, ठीक है। यहाँ पे a तो हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम यहाँ a put कर दें तो b आ सकता है, ये वन वहाँ आएगा माइनस का, तो दो में से एक गया, तीन में से एक गया, दो बचा, तो b 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि b तो आ गया हमारे पास 2, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको, अब यहाँ देखो कोफिशेंट ऑफ x देख लेते हैं, कोफिशेंट x जो है यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ b प्लस सी माइनस का a है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस का 1, ठीक है जी, माइनस वन, बी हमारे पास 2 निकला, सी फाइंड करना है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, 1 प्लस सी, अब ये वाला 1 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव 1 तो माइनस का 2 देगा सी, तो सी बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पुटिंग values of a, b and c in equation number 1, 1 में put कर देंगे, तो 3x square minus x plus 1 divided by x plus 1 x square minus x plus 3,
इज इक्वल्स टू ए हमारा आया 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, बीच में प्लस है, बी हमारे पास 2 आया है, एक्स प्लस सी आया है माइनस का 2, यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, प्लस माइनस होता है माइनस, सेम एज री राइट कर लो यहाँ से इसको, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है तो यह डायरेक्ट माइनस कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट नहीं भी लगाते, ये वाला स्टेप आप क्या करते हो स्किप कर सकते हो, जो हर दफ़ा बताती हूँ, ये है आपका आंसर। ठीक है जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये करके हम अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये करके हम अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये कांस्टेंट है, आपके पास अननोन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑन बोथ साइड, तो ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 होगा, यहाँ पर a है तो ये x प्लस 1 है, तो हम सिर्फ इसके बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 3 लगाएंगे, वजान भी हो रही है बी एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 3 और ये कैंसिल होगा तो सिर्फ x प्लस का 1 बचेगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, ये हो जाएगा 3 है, बी को एक्स से करो तो बी एक्स स्क्वायर, बी को 1 से करो तो बी एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स और सी बन जा सी। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, बस इसको वाइंड अप करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स लाइक टर्म है, ये सी एक्स प्लस का 3 है और प्लस का सी, ये एक जैसे हैं, यहाँ से निकाल लीजिए कॉमन। अच्छा जी, क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर में से, ए प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा बी प्लस का सी और ये 3a प्लस सी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इंशाल्लाह इस स्टेप के बाद अजान के बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है यहाँ पर। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पर एक्स प्लस 1 है तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पे हम रेफरेंस दे दो बेशक यहाँ पर 2 का, ऐसे कर नो इशू। ठीक है जी, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूला का ध्यान से लगाएंगे, पहले भी मिस्टेक हुई है, ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस बी माइनस 1 सी माइनस 1 प्लस का 1। देखो बेटा ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और आपके पास प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4a। ठीक है, 3 1 4, ये 0 हो जाएगा। चलो यहाँ आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 1 1 जा 1 माइनस और ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4 सिंपली, तो यहाँ से 4 डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई से, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 सिंपली। तो बंद कर लो एक ब्रैकेट में। अब लास्ट हमारा ये स्टेप है बाय इक्वेटिंग, अब बाय इक्वेट कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछा करें, जैसे मेरे पास टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, ऐड हो सकते हैं। जहाँ पर जाए आप 9th क्लास की हों, चाहे मैट्रिक चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड ईयर, 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फ़ीस है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं हमसे 500 पर सब्जेक्ट फ़ीस है। इसके अलावा आप तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो 2000 रुपीज़ पर मंथ है, चाहे 9th की हों चाहे मैट्रिक चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड ईयर। हमारे आ गया, हम करेंगे बाई इक्वेटिंग लाइक टर्म्स इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 1 है और यहाँ ए प्लस बी है, तो आप देखेंगे 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए हमारे पास 1 आया है, बी फाइंड करना है बी ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है,
तो अब यहाँ पे ए कहेगा ये हमारे पास वन आया था बी, तो ये वन वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा और बी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बी हो गया बच्चे ज़ीरो। ठीक है, तो बी हमारे पास हो गया है ज़ीरो। अब यहाँ देखो आप कोफिशेंट ऑफ आपके पास एक्स कहाँ है, कोफिशेंट ऑफ एक्स दिस वन, यहाँ पे माइनस का वन है और यहाँ पे आपके पास बी प्लस सी है, तो माइनस वन इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास बी ज़ीरो आया है, अब ज़ीरो रखो, सी फाइंड करना है, तो सी सिंपली आपके पास आ गया माइनस वन। अब आपने करना है पुटिंग ऑल वैल्यूज ए बी सी इन इक्वेशन नंबर वन। अब आप लिखो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर वन। वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री। ठीक है जी, ए आपके पास वन आया है, नीचे एक्स प्लस वन लीनियर जो था फैक्टर। अब बी एक्स, बी आपके पास ज़ीरो आया है, ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह ज़ीरो एक्स करना ज़रूरी है, ज़ीरो ही होने वाला है ना। सी आपके पास माइनस का वन है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री। ठीक है जी, अब आप लोगों को जो कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया था वो लास्ट स्टेप इस एक्सरसाइज का यही था कि बच्चे ज़ीरो के साथ क्या करेंगे। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ, तो ये ज़ीरो होने वाला, लिखना ज़रूरी है, प्लस माइनस माइनस का वन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री आपके पास जो है वो आपका आंसर है। ठीक है जी, चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर के 21.4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।